हमारे चैनल आरएस किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। जीवन में काम आने वाले 40 नियम। जोड़ों में दर्द है तो अदरक का रस लगाए, इससे जोड़ों के दर्द में फायदा मिलेगा। नंबर दो, बालों को गर्म पानी से धोने वालों के जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए कभी भी बालों को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। नंबर तीन, हमें कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी और चाय का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, यह हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। नंबर चार, भैंस का दूध, कच्चा दूध पीने से कमर के दर्द की परेशानी कभी नहीं होती। नंबर पाँच, सेब खाने से तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा करने से गले का कैंसर हो सकता है। नंबर छः, आंवले का मुरब्बा खाने से कभी भी शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होती। नंबर सात, जब भी आप बाहर जाएं तो कभी भी आते ही पैर नहीं धोने चाहिए। नंबर आठ, जो लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं, उनको कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों समय हमें जरूरी मिनरल मिलते रहते हैं। नंबर नौ, चाय के साथ हल्दी कभी नहीं खानी चाहिए, इससे इंसान की मौत भी हो सकती है, इसलिए कभी भी चाय के साथ ऐसी वस्तु ना खाए जो नुकसानदायक हो। नंबर दस, यदि आपको पीले रंग का पेशाब आता है तो अंदरूनी तौर पर स्वस्थ नहीं है, या फिर आप पानी कम पी रहे हैं। नंबर ग्यारह, रात को दूध में आधा चम्मच हल्दी का प्रयोग करने से इंसान जवान बना रहता है और कई बीमारियों से शरीर को बचाता है और चेहरे का ग्लो भी बढ़ाता है। नंबर बारह, अगर गला खराब है और आवाज़ नहीं निकल रही है तो कच्चा अमरूद जलाकर खाने से गला ठीक हो जाता है। नंबर तेरह, यदि टेंशन से आपका मन भारी हो तो चॉकलेट या मीठी चीज़ खा ले, मन अच्छा हो जाएगा। नंबर चौदह, ज़्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है और कई बीमारियां भी हो जाती हैं। नंबर पंद्रह, केले के छिलकों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, इसे अपने चेहरे पर मले, इससे चेहरा निखर जाएगा। नंबर 16, तकिए के कवर को हफ्ते में दो बार अवश्य धोएं, इससे झुर्रियां आ सकती हैं और सर की परेशानी भी बढ़ सकती है। किसी भी जूस को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, यह कड़वा हो जाता है और यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। नंबर 18, गाजर, आंवला और चुकंदर, इसका जूस पीने से आँखों की रोशनी तेज होती है और स्किन भी ग्लो करती है। नंबर 19, यदि जूते पहनने की वजह से पांव पर धब्बे हो जाए तो इसके लिए 4 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर एक बोतल में भर लें और रोज़ इससे पांव के धब्बों पर मालिश करें और 10 मिनट बाद धो लें, कुछ दिनों में धब्बे साफ़ हो जाएंगे। नंबर 20, जो महिलाएं रात को सोते वक्त बादाम के तेल से चेहरे की मालिश करती हैं, उनका चेहरा हमेशा चमकदार बना रहता है और झुर्रियां भी नहीं आती हैं। नंबर 21, यदि रात में मेथी भिगो दें और सुबह उसका पेस्ट बनाकर दूध के साथ अपने चेहरे पर लगाए तो चेहरा टाइट हो जाता है और स्किन ग्लो करने लगती है। नंबर 22, पैरों के तलवे में विक्स लगाकर सोने से छाती का कफ दूर होता है और ठंड जुकाम भी गायब हो जाती है। यदि हड्डियां कमज़ोर हैं तो अपने खाने में करौंदे का इस्तेमाल करें। करौंदे में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 24, रोटियों पर घी लगाकर खाने से वजन तेजी से बढ़ता है और शरीर में ताकत बनी रहती है। नंबर 25, यदि बुखार नहीं उतर रहा तो एक गिलास पानी में एक टुकड़ा गिलोय का लेकर उबालें, जब पानी आधा रह जाए तब उसको थोड़ा ठंडा करें और हल्का गुनगुना चाय की तरह पी लें, इससे आपका बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। नंबर 26, यदि आपके चेहरे पर दाने निकल रहे हैं तो नीम के पत्तों को पीसकर उसका रस दानों पर लगाए, दाने जल्दी ठीक हो जाएंगे। नंबर 27, सुबह दही खाने से दिमाग को ठंडक मिलती है और हाजमा भी ठीक रहता है। नंबर 28, पुदीने के साथ मिश्री पीने से औरतों में पीरियड संबंधी परेशानी नहीं होती है। नंबर 29, दूध के साथ कभी भी खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये बहुत नुकसानदायक होती हैं। नंबर 30, जब भी बादाम भिगोए तब हमेशा बादाम का छिलका उतार कर ही खाने चाहिए, बिना छिलके उतारे बादाम नुकसान करती हैं। नंबर 31, नाशपाती हमारी रूखी त्वचा को ठीक करने में मदद करती है, इसलिए हमको नाशपाती
जरूर खानी चाहिए। नंबर 32, रोजाना दही या छाछ का सेवन करते हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर 33, जलेबी को दूध गर्म दूध के साथ खाने से कमर दर्द और जोड़ों में दर्द की आराम मिलता है, और खासकर जलेबी ठंड में गर्म दूध खाया जाए तो और भी फायदा मिलता है। नंबर 34, जो औरतें गीले बालों को कंघी करती हैं उनके बाल कमज़ोर हो जड़ने लगते हैं, इसलिए कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है तो समझ जाना कि आप में कैल्शियम की कमी है, इसलिए आप पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, पनीर, सोयाबीन आदि का सेवन करें। नंबर 36, चावल का उबला पानी ठंडा करके यदि बालों में लगाते हैं तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे और झड़ेंगे नहीं। नंबर 37, यदि आपके बाथरूम में जलन है तो किडनी स्टोन है तो आप रोज़ नारियल पानी पिए, इससे आराम मिलेगा। नंबर 38, खाना खाने के बाद यदि पेट में भारीपन लगे तो नींबू निचोड़ कर पानी में सेंधा नमक डालकर पीना चाहिए। नंबर 39, ज़्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी सब्जी के ऊपर नमक न डालें। नंबर 40, यदि आपको खांसी है तो गुनगुने चने का आराम मिलेगा। वीडियो संबंधी जानकारी आपको